अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपने बटनों वाला 4G फ़ोन लेना है, सिम भी डाल सकते हैं और 4G इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए इधर मैं डिफरेंट ब्रांड के फ़ोन लेकर आया हूँ, जो कि 4 फ़ोन होने वाले हैं। व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक वगैरह आप इन पर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैस के फ़ोन आते हैं, जो कि ज़्यादा अच्छे भी हैं और कम प्राइस में मिल जाते हैं। तो इसके 3 मॉडल हैं, जैस क्लासिक, डिफाइंडर और इलाइट वाला वर्जन है। और इसमें जो क्लासिक वाला मॉडल है उसकी प्राइस आपको 4,199 देखने को मिलती है। 2.4 इंच का इसमें डिस्प्ले है और 1700 mAh की बैटरी मिलती है, जो मेन फर्क है दूसरे से। और इसका जो डिफेंडर वाला वेरिएंट है उसमें 2.4 इंच की स्क्रीन है, 1700 mAh की बैटरी है और इसकी प्राइस 4,099 है। और इसका डिजाइन थोड़ा चेंज्ड है। और हाई एंड वाला इसका जो वेरिएंट है वो 4,599 का आपको मिलेगा, जिसमें 2.8 इंच का डिस्प्ले है, 2,000 mAh की बैटरी मिलती है। तो इसमें आपको मीडियाटेक की एक चिप देखने को मिल जाती है, 512 MB की इसमें रैम है, 4GB की स्टोरेज है और KaiOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस वाले फोन के अंदर आप डबल सिम डाल सकते हैं, SD कार्ड डालने का भी ऑप्शन मिल जाता है, ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट वगैरह ये सपोर्ट करते हैं। और इसमें गूगल मैप जैसी एप्लीकेशन भी आप चला सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने किस्तों पे फोन लेना जैस का, वो भी मिल, यानी इंस्टॉलमेंट पे आपको 1700 रुपए देकर फोन मिल जाएगा जैस का। और इसकी फर्स्ट सिम लॉक्ड होती है, जो कि आप किसी दुकानदार से अनलॉक भी करवा सकते हैं, लेकिन वो इलीगल हो जाता है, जो कि आपको मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा। तो ये आपकी मर्जी है, अगर करवाना चाहें तो कई लोग वैसे फायदा भी उठा रहे हैं। नेक्स्ट जो फोन है वो क्यू मोबाइल का है। क्यू मोबाइल और टेलीनॉर वालों ने ये फोन निकाला था, क्यू मोबाइल 4G प्लस के नाम से। इसमें भी आपको 512 MB की रैम मिलती है और 4GB की स्टोरेज है, 2.4 इंच का इसमें डिस्प्ले मिलता है, मीडियाटेक की चिपसेट है इसमें भी लगाई गई, वाईफाई हॉटस्पॉट वगैरह इधर भी आप यूज कर सकते हैं, 2000 mAh की इसमें भी बैटरी है। और नेक्स्ट जो दो नए फोन आए हैं वो नोकिया की जन्म से आए हैं। नोकिया ने भी ये 4G फोन कीपैड वाले लॉन्च किए हैं। एक का जो नेम है वो नोकिया 225 4G वाला वेरिएंट है, जिसमें आपको 2.4 इंच का डिस्प्ले मिलता है, 64 MB की इसमें रैम है, जो कि इतनी ज्यादा नहीं है। और इसकी प्राइस 6,300 रुपया इन्होंने रखी है, 128 MB की इसमें स्टोरेज है। तो ये ज़्यादा इधर कमी की गई है इसकी रैम और स्टोरेज के अंदर। 0.3 MP का बैक पे कैमरा मिलता है, फ्रंट पे इसमें कैमरा नहीं लगाया गया, जबकि क्यू मोबाइल और जैज वाले मोबाइल जो आपको मैंने बताए हैं उनमें आपको फ्रंट और बैक पे कैमरा मिलेगा। 1150 mAh की इसमें बैटरी लगाई गई है, तो इतनी खास स्पेसिफिकेशन नहीं है अगर प्राइस को देखा जाए। और नेक्स्ट जो इनका फोन है नोकिया 6300 वाला मॉडल है, ये भी 4G सपोर्टेड है और इसकी प्राइस 9000 आपको मिलती है। इसकी 512 MB की रैम है और 4GB की इसमें स्टोरेज है, 2.4 इंच का इसमें भी डिस्प्ले आपको मिलता है। और इसमें आपको स्नैपड्रैगन 210 वाला चिपसेट मिलता है, जो कि एक बेसिक चिपसेट है। तो इसमें भी आपको बैक पे ही कैमरा मिलेगा, फ्रंट पे इस पे भी कैमरा नहीं मिलता है। तो 1500 mAh की इसमें आपको बैटरी मिलती है। तो अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं, मुझे जो फोन वैल्यू फॉर मनी लगा है वो जैज वाला ही है, क्योंकि उसमें काफी अच्छे आपको फीचर मिल जाते हैं और जैज इलाइट वाला वर्जन ज्यादा ही प्रीमियम किस्म का है। आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा, क्या आप इंटरेस्टेड है इनको लेने में, मुझे कमेंट में जरूर बताना। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हैं। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।